गाड़ी में पेंट और कैरियर लगाने के बाद मैंने अपनी सारा सामान गाड़ी के अंदर पैक कर दिया हूँ और मेरी साइकिल भी आ चुका है कैरियर के ऊपर। अभी गाड़ी थोड़ी सी पूरा दिन भाग दौड़ रहा है, मेरी गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई है, मैं इसको फट से साफ करके फट से निकलता हूँ। हम दिल्ली से काफी दूर करीब 200-250 किलोमीटर आगे हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए हम रुक रहे हैं। अभी मैं सुबह आपको जैसे बताया था, मैं गाड़ी बिल्कुल साफ करके आया, मेरी गाड़ी बिल्कुल चमक रही है। ये आपका होटल है, पृथ्वी होटल। अभी हम यहाँ पे चाय पानी के लिए रुकेंगे, उसके बाद आगे के सफर पे चलते हैं। दोस्तों सफर स्टार्ट है और हम कंटिन्यू हैदराबाद की ओर रवाना हो रहे हैं। ड्राइविंग करने में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ड्राइविंग पसंद भी है, बट अभी थोड़ा इसी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी जगह जगह काफ़ी सारे फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, NH हाईवे वगैरह बन रहे हैं, तो थोड़ी ही दूर के बाद अपना ऐसा ट्रैफिक हमें मिल जाता है, उसमें थोड़ी सी परेशानी हमें होती है, कंटिन्यू हम अपना माइलेज नहीं सेट कर पाते हैं। लेकिन रोड अच्छे हैं, सफ़र जारी है, ये थोड़ी बहुत मुश्किल आएगी, उससे कुछ नहीं होगा, हम हैदराबाद तक जाएंगे। तो कंटिन्यू हम आगे मिलते हैं आपसे, बीच बीच में हम आपसे बात करते रहेंगे। मैं जब भी सफ़र पर जाता हूँ मुझे एक चीज़ करने का मन बहुत करता है, नितिन गडकरी को ट्वीट करने का। उन्होंने काफ़ी अच्छा रोड बना दिया है, मैं जहाँ भी अभी ट्रेवल कर रहा हूँ, गाड़ी से बिहार जाऊँ या उत्तराखंड जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, मैंने बहुत ट्रेवल किया हूँ हर जगह, और जो 10 साल पहले जो मैं ट्रेवल करता था और जो मैं 10 साल बाद ट्रेवल कर रहा हूँ, रोड में बहुत फ़र्क है। आप अगर गाड़ी रोड पे लेके आओगे आप खुद ही आपको यकीन होगा। तो इस बार तो मैं उनको ट्वीट जरूर करूँगा, थैंक यू इतनी अच्छे रोड के लिए। और अब देखो मेरी कार स्टीम का स्पीड। दोस्तों मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ अपनी कार की, मैक्सिमम मैं कितना दूर जा सकता हूँ। मजाक कर रहा था, एडिटिंग था ये। हम राजस्थान में भी बैठे हैं। Hi friends, we are on the way to Madhya Pradesh. In between Madhya Pradesh and UP, there is a small patch which belongs to Rajasthan. So the village name is Suhaba. Wonderful place. So other 10 minutes, 10 kilometers, I mean, like 10 kilometers, we will reach in Chambal Valley. So then we will. More of Chambal Valley and like avoid nahi kar sakte. Hi guys, we are entering Chambal Valley. Chambal. भाई साहब चंबल घाटी है ना, ये कितने दूर तक अंदर रास्ता जाएगा? नहीं पहुंचना नहीं है, ये थोड़ा देखना है चंबल। तो इधर में नहीं है साहब? इधर में नहीं है। हाँ रोड सीधे चंबल। ये रोड कहाँ तक जाती है? जिधर जी किले पे गई है, सुन लो जी मंदिर है। अच्छा हाँ। हाँ 10 days। राइटर के मैं और उसका भी कल। हेलो फ्रेंड, हम अभी जा रहे थे, रास्ते में एक चंबल का छोटा सा किला मिला है, इसमें हनुमान जी का मंदिर भी है,
और ये मैं आपको छोटा चंबल दिखा रहा हूँ फ्रंट व्यू से। दिस इज छोटा चंबल, ये छोटा चंबल है। स्वीट सर, बहुत टेम्परेचर है, गर्मी बहुत है, यहाँ पे भी चंबल में भी पानी है। यह पानी का टैंक देखिए, इसके ऊपर नीम का पेड़ है और नीचे खाई है। मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ, जुगाड़ कर लिया ऊपर चढ़ने का, और मैं आपको ये चंबल दिखाया आपको। ये छोटा भानु है, ये भानु है, अभी छोटा सा भानु है, छोटा छोटा भानु, और ये है चंबल। करना ओ पाले जी कितने का है? दस। आप रहने दो, रहने दो इसको, मुझे सिखा रहा हूँ। कौन बनेगा? तीस, चालीस, पचास। दुकानदार नहीं है तू, आवाज निकलनी चाहिए। नब्बे के बाद ये 500 कैसे हो जाएगा? बताता हूँ अभी। हाँ बताओ। 50, 60, हाँ? 70, 80, 90, 1000। पंडित जी खुला कितना देगा? हाँ कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा यार। खुला कितना देगा? नो कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा। वीडियो नहीं बनानी है, फोटो लेना है। फोटो यहीं से हो जाता है। चंबल का किला तो हमने देख लिया और हम आपको भी दिखा दिए, बट वहीं से मुझे पता चला कि चंबल का एक रिवर भी है और वो रिवर काफी फेमस है, उसके ऊपर फ्लाईओवर भी बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है। लेकिन सबसे हमने एक यहाँ पे बैनर देखा, वो बैनर भी मैं आपको दिखाना भूल गया, चंबल के रिवर के अंदर डॉल्फिन। मैं और मेरा साथ भानु है, हम दोनों सरप्राइज हो गए कि डॉल्फिन वो भी चंबल के, वो भी चंबल के अंदर रिवर में। हम बहुत ही सरप्राइज हो गए। तो नेक्स्ट हम चंबल के रिवर जा रहे हैं और वहाँ पे हम आपको कोशिश करेंगे डॉल्फिन दिखाने की। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं अपने गाड़ी का एसी भी नहीं ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे गर्मी पसंद है, उसके साथ साथ मुझे पैसे बचाना पसंद है। डॉल्फिन देखने जा रहे हैं, वो भी चंबल के अंदर डॉल्फिन, और वो भी इंडिया में। और वहाँ मगरमच्छ भी है, मगरमच्छ का तो पता है, मगरमच्छ हो सकता है, बट डॉल्फिन का किसी को आइडिया नहीं है। वो देखो डॉल्फिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा हमें दिख रहा है। ये डॉल्फिन चंबल का रास्ता है। ये रास्ता आपको डॉल्फिन तक ले जाएगा, डॉल्फिन चंबल। ये चंबल में पानी कहाँ से आ गया? ये कौन सी नदी है भाई साहब? सुंदर नदी भाई सुनानू। आपका मेरा पता, ये है चंबल की नदी, चंबल नदी। यहाँ पे डॉल्फिन, मगरमच्छ सब मिल जाते हैं।
और ये नदी दूर दूर तक यहाँ बोटिंग भी होता है, यहाँ पे कैंप भी लगते हैं। भानु, चंबल नदी। दोस्तों मगरमच्छ तो मुझे दिखा नहीं, ना ही मुझे दिखा डॉल्फिन, लेकिन मुझे एक आइडिया आया ताकि आपको मैं छोटा सा डॉल्फिन और छोटा सा मगरमच्छ दिखा पाऊँ। अभी मैं भूल गया था, मैं फट से अपने अंडर वाटर, जो वाटर के अंदर का जो डॉल्फिन है ना, मछली समझ लो, पर डॉल्फिन नहीं मिलेगा, ना ही आपको मगरमच्छ मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब मौसम अभी गर्म है तो वो लोग पानी के अंदर रहते हैं, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे मौसम ठंडा होता है यहाँ पे डॉल्फिन भी आपको दिखेगा और मगरमच्छ भी दिखेगा। दोस्तों मैं आपको ना इनका नंबर भी शेयर कर दूंगा आपको, आपके पास मैं यही स्क्रीन पे आपको फ्लैश कर दूंगा। यहाँ पे एक मिस्टर भोला जी हैं, अगर आपको यहाँ पे घूमने आना है, कैंपेन लगाना है, आप अपने दोस्तों ऑफिस के साथ पार्टी मनाने आ रहे हैं, तो ये सारे इंतजाम करके देंगे, इनका नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा। उससे पहले मैं फट से आपको अंडर वाटर छोटा सा डॉल्फिन दिखाता हूँ। फलम विगंड गंधली रुजीव वाद गंधरम राक्षितम वरक्षितम भवक्षितम अवक्षितम गजच्छितम दगच्छितम दमंदगच्छितम मयि अगर्भगर्भ मंगलावलागतम ममंजरी तदप्पवाहमहरी अयम मणि मधुर्वदम शांतकम वरांतकम भवांतकम मकांतकम जय बाबा भोलेनाथ। हाय भानु, चंबल की नदी। हाँ, इसकी खासियत है 30 फीट तक ऐसे ही जाएगा, 30 फीट के बाद केस। अंडर वाटर काम करता है ये? हाँ, अभी करके रहे हैं। फिश विश का आया था क्या कुछ? हाँ, आ ही गया होगा, देखेंगे। यहाँ पे ड्राइव करने में एक तो थकान मुझे महसूस नहीं हो रही, और यहाँ के रोड इतने अच्छे हैं ना, आप यकीन नहीं करोगे कि कितना मजा आ रहा है। वो राहुल गांधी वाली मजा नहीं आ रहा है, लेकिन ड्राइव करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और हम कंटिन्यू, अभी काफ़ी जगह हम लोग काफ़ी लेट हो गए, हम लोग घूम घूम के जा रहे हैं, तो इसमें माइलेज का पता नहीं चल रहा है और हमें काफ़ी टाइम भी लग रहा है। तो अभी हम कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे हैं,
उसके बाद कहाँ भी, उसके बाद जहाँ पर भी हम रुकेंगे हम आपसे एक बार ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों ये पॉइंट, ये व्यू, ये नेचर, ये बहुत अच्छा लग रहा है। हम अब यहाँ पर रुकने वाले हैं और हमने कभी थोड़ी फोटोग्राफी कर लेते हैं और थोड़ा सा हम इंजॉय करते हैं। मौसम गर्म है, बहुत गर्म है, बट यहाँ पे चंबल के तुलना में यहाँ पे हवाएं अच्छी चल रही है और ठंडा लग रहा है, बट गर्मी तो है, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू चलते जाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकते हैं और थोड़ा फोटोग्राफी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम पहुँच गए नागपुर। नागपुर से यहाँ हैदराबाद मात्र 500 किलोमीटर और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज रात को हम नागपुर पहुँच हैदराबाद पहुँच जाएंगे। ये आपका नागपुर का व्यू है, हम सिटी में नहीं जा रहे हैं। और ये सन भानु बुट्टी बुड़ी हाँ ले लिया ना। हाँ भानु बुट्टी बुड़ी में पोहा खा रहे हैं। क्या नाम है? बुट्टी बुड़ी। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, ये घिस रहे हैं, एक लोहे का फ्रेम बना हुआ है उसके ऊपर लकड़ी से घिसे जा रहे हैं। मैं भी काफ़ी देर से सोच के हैरान था कि ये है क्या। मैंने आसपास से पूछा, कोई लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, मसाला खाते हैं, शिकर खाते हैं, और वो केसर वाले केसरी मुँह में जुबान, पान में केसरी, सब कुछ सेम वही टाइप का है। ये दोस्तों ये मावा इसको बोलते हैं। सुपारी का कुछ ये होता है, सुपारी कुछ अलग ही दो चार मिला के इसको रफ किया जाता है, इसको पीस के इसको खाते हैं। इसमें भी थोड़ा सा नशा होता है, खाने के बाद ही आपको पता चलेगा। देखते हैं ये घिस लें, इसके बाद इसका क्या बनता है मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या होता है। ये देखिए, ये भाई साहब खोल रहे हैं पोटली और हमें दिखाएंगे इसमें क्या है। और इसे सेम जस्ट ये शिकर, गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू, खैनी, जो भी आप खाते हो ना उसी तरीके से। ये देखो ये चीज़ निकल के आता है। ओके दोस्तों, हमने काफ़ी घूमा, काफ़ी है इसके, हम लोग बहुत रुक रहे हैं और हमारे कैमरे की बैटरी भी अभी चार्ज करना पड़ेगा कहीं पर रुक के। तो अभी हम बिल्कुल फोकस करके हम ड्राइव करते हैं क्योंकि 500 किलोमीटर दूर है। अभी दिन के 2 बज रहे हैं, 12:01 टाइम क्या हुआ है, ओके हाँ 1 बज रहे हैं। हमें आज ही हैदराबाद पहुंचना है, फिर हम आपके साथ मिलते हैं हैदराबाद में। हैदराबाद पहुंच के मैं आपको बताऊंगा कि हैदराबाद में कहाँ कहाँ क्या घूमना, ये मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा। हैदराबाद जाने के बाद ही पता चलेगा कि हम हैदराबाद के आसपास लोकेशन को मैं कवर करूँगा। सो एंजॉय गाइस, अभी मुझे कंटिन्यू फुल ड्राइव करना है क्योंकि बीच बीच में वीडियो बनाने में और कहीं पे रुक के करने में काफ़ी टाइम जाता है। तो अभी हम कंटिन्यू हैदराबाद जाएंगे। ओके दोस्तों, बाय।